सीडी जिससे आप सबको पता चल जाएगा कि ये जो अपशगुन का नाटक था ना, ये सब श्रेया भाभी ने किया था। मेरे खिलाफ एक यही सबूत है दादी और संजना के पास। मुझे सबूत को अभी मिटाना होगा। श्रेया, काफी रात हो गई है, चेंज कर लो और सो जाओ। ओके? हिम्मत कैसी हुई मेरी बच्ची के साथ इस तरह से मारपीट करने की? और बेटा तुमने क्यों नहीं बताया? अवनी, तुम्हें पता है ये अपराध है। क्या करती नानी, घर में पहले ही इतना कलेश था, मैं और सबको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने नहीं बताया। बेटा बताना चाहिए था, ये तुम्हारी जिंदगी का, तुम्हारे भविष्य का सवाल है बेटा। अरे जो कमबख्त शादी से पहले इतनी मारपीट कर सकता है, पता नहीं वो हैवान बाद में क्या क्या करेगा। नहीं, वो तुम्हारा जीवन साथी बनने के लायक हरगिज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अरे बहुत नानी है ना, बस। नानी जी, आप प्लीज बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक आइडिया। क्या हुआ है श्रेया? हाँ? क्या हुआ है? कुछ नहीं। क्यों? खुद ही देख लो क्या कर रहे हो। अरे सॉरी मम्मी, वो ध्यान पता नहीं। अंगूरी, अंगूरी। हाँ भाभी। आज दोपहर में ना ऋषभ आ रहा है, तो सारे काम छोड़ के मेरे साथ खाना बनाने में मेरी हेल्प कर। बहुत सारे काम पड़े, जाके सब्जी रखने का ले आ जा। श्रेया, मुझे ऐसा लगता है कि हमें रसोई विनती को दे देनी चाहिए। ऋषभ आ रहा है ना, तो उन्हें कुछ स्पेशल खाना भी तो बनाना होगा। मम्मी, उससे हमें क्या? हमारा काम जब खत्म होगा तभी हम रसोई छोड़ेंगे ना। ऐसे बिना काम खत्म करे थोड़ी रसोई छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं बोलते। अगर तुम्हारे मम्मी पापा आ रहे होते तो उसने रसोई दे दी होती ना हमें। ऋषभ इस घर का दामाद है, उसके लिए अच्छे से खाना बनाना चाहिए ना। हमें काम करते हैं, हम अपना काम डाइनिंग टेबल पे कर लेते हैं, उन्हें रसोई दे देते हैं। और वैसे भी तुम तो रहने ही दो, जाओ आराम कर लो, मैं कर लूँगी। अरे मम्मी, जाओ। मम्मी पे ये सब कल का असर है। देख रही हो, विंती भाभी के लिए उनका दिल कुछ ज्यादा ही पिघल गया है। अब मेरे प्लान का क्या होगा? तुम एक काम कर लो, तुम वो आलू छील दो, मैं ये कर लूंगी। जी मम्मी। अंगूरी। जी मम्मी। आ जाओ। मैं काम करते करते मर जाऊंगी। कमली को अगर इस पे नहीं नचाया तो मेरा नाम श्रेया नहीं। एक बार ना सब ठीक हो जाए, मैं जिम ज्वाइन कर लूंगी, उसका स्लिम ट्रिम होके। मिल के आई थी। अरे ऋषभ, नमस्ते मामा जी। नमस्ते ऋषभ, कैसे हो? बहुत अच्छा, आप कैसे? एकदम बढ़िया। आओ। वेलकम वेलकम। कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। अरे दादाजी वक्त के कितने पाबंदे, देखा हमारे 1 बजे बोला था और 1 बजे घर में दाखिल हो गए। अरे हाय भूषण, हाउ आर यू? हाय, आई एम गुड। मैं अभी आता हूँ। नो प्रॉब्लम। अरे अमर, दामाद जी को दरवाजे पे खड़ा रखोगे क्या? ये अंदर भी लेके आओगे? नहीं ऋषभ, आओ ना। चलो ऋषभ, चलो आओ। नमस्ते दादी। मन तो कर रहा है कि तुझे 100 जूते मारो। जीते रहो, खूब जियो, लेकिन नर्क में। बैठ। ऋषभ, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आपको इंतजार करना पड़ेगा, अवनी तैयार होने में थोड़ा वक्त लगाएगी। कोई बात नहीं, तब तक हम आपके हाथों की गर्मा गर्म चाय पी लेंगे। जहर दे दें तो कैसा रहेगा? मैं अभी लेकर आती हूँ चाय। उसकी कोई जरूरत नहीं है विनती भाभी, मैंने ऋषभ जीजू के लिए ऑलरेडी चाय ला दी, उनकी स्पेशल ग्रीन टी। कौन बता सकता है कि एक मुस्कुराते चेहरे के पीछे हैवान। अवनी ने मुझे सब बता दिया। अरे चाय गिरो। हो अरे चलो चलो चलो, जल्दी धो लेते हैं वरना दाग रह जाएंगे और जिंदगी भर पछताओगे। पछताओगे? हाँ, कि नानी की बात मान लेता तो पेंट फट जाती नहीं। हाँ ऋषभ, हमारे रूम में चले जाओ, वॉशरूम में। अपने नहीं मामा जी, वो नीचे के सारे रूम्स में आई थिंक पानी नहीं आ रहा है। अरे अवनी के रूम में चलते है ना, वहाँ ले जाती हूँ। वॉशरूम में वहाँ जाके धो लेगा। चल बेटा, चल चल। हाय जीजा जी। हाय अजय, बाद में दांत धोने हैं। चलिए दादा। अरे ये तो कुछ भी नहीं, एक बार सफेद पैंट पे गिर गया था वो लाल शरबत नहीं होता, मैंने उसके भी निशान आरा दिए थे। चलो अवनी के कमरे में वॉशरूम है, वहीं जाके वॉश कर लेते हैं। आज अवनी, अरे देखना बेटा, तुम्हारे दरवाजे तक कौन चल के आया है। आप कैसी हो अपनी? ठीक हूँ। अरे ऋषभ की पैंट में ना चाय गिर गई थी, तो मैं तुम्हारे वॉशरूम में धोने के लिए लाई हूँ, वरना दाग रह जाएंगे ना। ठीक। मैं आती हूँ। स्टोर रूम की लाइट जल रही है, पता नहीं किसने छोड़ दी जलती हुई। हमारा परिवार तो भाई वैसे ही बिजली बचाओ परिवार है। कोई बात, मैं ही बंद कर देती। हाय राम, इतनी धूल, इतने जाले। दिवाली पे तो ना इसकी पूरी सफाई करवानी पड़ेगी। अरे कौन है? कौन है? कौन है यहाँ? चूहा। चल बेटा, तेरा भी टाइम आ गया। श्रेया को आपने देखा? नहीं देखा तो नहीं, लेकिन छत पे होगी शायद। हाँ दीदी। नहीं, अरे आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, बस इस घर का यही हाल है। अरे यहाँ पे बस कहने के लिए एक दूसरे को सखा बंधु ये सब कहते हैं, पर सच बताऊं यहाँ पे ना आपस में कोई प्यार ही नहीं है। ये सब बस दिखावा है। अब इसका नया ड्रामा शुरू हो गया। जानती है ना ऋषभ आया हुआ है, ये इस मौके पे कुछ तमाशा करके रही। बहुत इरिटेट है सब। क्या बदतमीजी। तुम्हारा आज क्या करने का प्लान है? हाँ, मैं पहले ही कह रहा हूँ, तुम अपनी तमीज में रहना। मेरी बहन की जिंदगी में अगर कोई पंगा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कोई पंगा नहीं लेती, पंगा तो आप लोगों ने खड़ा किया इस घर की बेटी के लिए। अरे और कोई मिला नहीं था क्या? ऋषभ जैसा लड़का चुनो। अरे जी ये मत कहना कि तुमने अवनी के चेहरे पे कोई निशान नहीं देखे। उसके होठों पर जो निशान है ना उससे देखकर ऐसा लगता है जैसे जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मारा। अजय तुमने उसके माथे पर निशान देखा है? अजय वैसा निशान तब पड़ता है जब जब किसी का सर दीवार पे मारा जाए, और तुमने ये सब नहीं देखा। तुम अपना नाटक बंद करोगी? एक मिनट अजय, मुझे याद आ रहा है कि उसके सर पे मार्क था पर उसने कुछ बताया नहीं, और जब मैंने उससे पूछा कि तेरे होठों पे निशान कैसे आया तो उसने कहा कि पिंपल का है। वो मुझे पिंपल का मार्क नहीं लग रहा था। क्या चल रहा है इस घर में? क्या बोला है मेरे बारे में तुमने? अपनी मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ तुमने संजना को क्या बताया मेरे बारे में? एक सेकेंड ऋषभ, मैं अपने चोट का निशान छुपा लूँ। एक मिनट। ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो तुम। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी? हाँ ऋषभ, क्या औकात है तुम्हारी? क्या औकात है तुम्हारी? बताओ तुमने संजना को क्या बताया मेरे बारे में अभी, वरना मार मार के तुम्हारी शक्ल बिगाड़ दूंगा। तेरी क्या औकात है मेरी बहन पर हाथ उठाने की? तो होता कौन है बे? मैं इसका मंगेतर हूं। नहीं था, अब नहीं है। तुझे तो मैं अकेले नहीं सबके साथ समझाऊंगा कि औकात क्या है, अपनी भी और तेरी भी। भूषण छोड़ो मुझे, वरना बहुत बुरा होगा। मैं क्या करूं? दादी को कुछ हो तो नहीं गया? जिंदा है? जिंदा है। अब मैं क्या करूं? दादी को तो होश आती है पूरी दुनिया के सामने मेरी सच्चाई बोल देंगी, और भूषण मुझे घर से बाहर निकाल देगा। थैंक गॉड दादी ने मेरी शक्ल नहीं देखी। अब मैं क्या करूं? क्या करूं गॉड? कुछ What the hell? तेरी हिम्मत कैसे हुई? How dare you? ये क्या बकवास है? हाँ? ऋषभ, क्या मैं सही सुन रहा हूँ ऋषभ? तुमने हमारी अवनी पर हाथ उठाया। भैया, पूछने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। भैया मैंने पहले ही कहा था ये लड़का अवनी के लिए सही नहीं। इसका अपने गुस्से पे कोई काबू ही नहीं है। सही कह रहा था, पता नहीं मैं क्यों तेरी बात नहीं मान रहा था। मान बैठा कि ये अवनी के लिए सही है। तुम लोगों को शायद पता नहीं तुम लोग किससे पंगा ले रहे हो। अच्छा, हमें सिखाएगा एक गुंडे के साथ कैसे डील करना है? मन करता है ये नहीं हाथ तोड़ दो जैसे तूने मेरी अवनी को छुआ था। तेरी भैया तू मारेगा मुझे, तू मारेगा। वही रुक, कि मैं आग नहीं लगा सकती हूँ, खुद भी जल जाऊंगी। पांच भाई हैं अवनी के, जिनकी कलाइयों पर वो राखी बांधती है, और हम पांचों उसकी रक्षा करने की कसम खाते हैं। अगर हमारी बहन की तरफ कोई आंख उठाकर भी देख लेना, जान ले लेंगे उसकी हम। भैया ये बातों से नहीं मानेगा। इसको तो क्या भूषण? बस बस ऋषभ, निकल जाओ यहां से। मैं ये सगाई तोड़ रहा हूं। सुना नहीं तुमने? निकल जाओ। ये आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं। तुम्हारी इस अवनी के लिए मुझसे अच्छा लड़का कभी नहीं मिलेगा, याद रखना। ये तुमसे रिश्ता करके हमने बहुत बड़ी गलती की थी, उसी को सुधार रहे हैं। खड़े क्या हो जाओ यहाँ से। अरे आप लोग क्या रिश्ता तोड़ेंगे? मैं खुद जा रहा हूँ ये रिश्ता तोड़ के इस घर से। लेकिन एक बात याद रखना तुम सब, मैं तो लड़का हूं, मेरे लिए लड़कियों की लाइन लग जाएगी, लेकिन तुम्हारी अवनी, इसका कभी भी कोई रिश्ता नहीं होगा। क्योंकि मैं इसके बारे में ऐसी ऐसी कहानियां बनाऊंगा, ऐसी ऐसी अफवाहें फैलाऊंगा कि जिंदगी भर इस घर में कुंवारी बैठी रहेगी। मैं जा। आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है, मुझ पर हाथ उठाया ना, याद रखूंगा। लेकिन आप लोग तो लड़की वाले ना, और अपनी औकात भूल जाते हैं। भैया एक मिनट, ऋषभ सक्सेना, तुमने मुझे मारा, मेरे साथ बदतमीजी की, वो मैंने सह ली। लेकिन खबरदार, खबरदार जो तुमने मेरे मामा मामी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो आज के बाद अगर तुमने अपनी आंखें उठाकर भी देखी ना, तो मैं और मेरे भाई तुम्हारा ऐसा हाल करेंगे कि तुम अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहोगे, समझे? तुम अगर अपनी जान प्यारी है ना, तुम निकल जाओ यहाँ से, किसी बात निकल जाओ। और तुम याद रखना, कल आगरा शहर में सबको पता चल जाएगा कि तुम एक नालायक इंसान हो, जो लड़कियों को मारते हो, पीटते हो, बदतमीजी करते हो। और हाँ, जिसको भी अपनी बेटी से प्यार होगा ना, वो जरूर अपनी बेटियों को तुमसे दूर रखेंगे। इतनी बड़ी बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? गलती हो गई मुझसे, आइंदा से आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी मैं। और मैं अपने दिल की बात किससे करूं? अपनी सास, मामी जी। सभी लोग यहाँ पर, फिर नानी कहाँ गई?